सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। तो सीओ ऑफिस क्यों आई आप? क्या बजे है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है थाने में। किस चीज की कार्रवाई नहीं हो रही है? नहले भी नहीं दी। नहीं तो क्या हो गया, घटना क्या हो गई? हम शादी में गए अपनी मौसी के घर, भैया भाभी, तो भाभी को पकड़ने लगे, नहले भी नहीं, दो और आदमी। किसको पकड़ने लगे? भाभी को, रश्मि को। अच्छा, रश्मि काकी। आप कौन हो? नंदू जी। तो आपके साथ क्या घटना घटी? बीनू नेले ने ही हमारा दुपट्टा खींचा कि पूरी गर्दन हो गया, मुझे उसका हो गया, इसका हाथ पकड़ा, इसका हाथ पकड़ा, भाभी हाथ पकड़ने की कोशिश करी, बदतमीजी की, नेले ने बदतमीजी करी, नेले बीनू ने, दो और भी थे आदमी का। किस चीज से विवाद हुआ था? कोई नहीं, हमारी कोई विवाद नहीं, उसी में गई, नेले बीनू आ रहा था, वीर मानने लगे, कट्टा बंदूक भी लेकर आए थे, और बकरा भी लिए थे। कहाँ की रहने वाली हो? उठा के ले जा रहे हैं, परसों लेने की, परसों ले आने की। और नेले वो जिसका नाम आप बता रहे हैं वो कहाँ के रहने वाले? वो भी आप ने इसकी सूचना दी है थाने में? हाँ दी है, थाने में भगा दिया, उल्टी एफआईआर कर दिया, यार कर रहा, वीडियो बना रहे लोग हमारी, और भगा दिया, लोग धक्के मार दिए। किसने भगा दिया? इंस्पेक्टर साहब ने, दरोगा जी ने भी। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं हमारी एफआईआर दर्ज हो, हमें न्याय मिले, हमारी भाभी के साथ जो छेड़खानी हुई उसका मुकदमा लिख के, हमारी भाभी की बहन का दुपट्टा खींचा है, इसी गले में ये निशान है, और हमारा मुकदमा लिख के, बस ये चाहते हैं। आपका नाम क्या है? समा। अच्छा, आप कौन हैं इनके? मैं बहन हूँ, ये मेरी भाभी है। अच्छा, आप भी फरसौले आने में रहती हैं? मैं भी फरसौले में रहती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आज आप सभी मेंबरों ने तहसीलदार महोदय को एक शिकायती ज्ञापन दिया है, क्या है ये पूरा मामला? मामला ये है कि कल कुछ झगड़ा हुआ था कुछ लोगों के बीच, जिसमें रफीक नेले ने नाजायज तरीके से चुनावी रंजिश के तहत, क्योंकि पहले चुनाव हुआ था और जो जिस पार्टी का ये समर्थन कर रहे थे उन लोगों से मिलकर इन्होंने इनायत को गलत नाम दे दिया है उसका, और एफआईआर करवा दी है, गलत झूठा मुकदमा लगाया है। इसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि तहसीलदार साहब द्वारा और एसडीएम साहब द्वारा निष्पक्ष जांच की जाए और सही तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाए। ये चुनावी मामला ही था या कुछ कल कुछ कोई लड़ाई झगड़ा या वैसा कुछ हुआ है? कुछ नहीं, ये सब चुनावी रंजिश थी बस। सर, अभी कुछ महिलाओं ने आपको एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है, क्या है ये पूरा मामला? ये मारपीट की सूचना इन्होंने दिया है रश्मि खान ने, कि मेरे हम लोग घर पे बैठे थे तब रफीक खान वगैरह है मारपीट की, उसी दरखास्त ये देने आए हैं, रफीक की तरफ से कल मुकदमा एक लिखाया गया मारपीट, उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने दिया है, और ये प्रार्थना पत्र पर जांच करके जो भी सही होगा वो कार्रवाई कराई जाएगी, जो भी सत्य होगी उतना कार्रवाई कराई जाएगी। दीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।